सक्करदरा चौक पर रविवार रात को चालान कार्रवाई कर रहे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार से उड़ाने का प्रयास किया गया। जान बचाने के लिए पुलिसकर्मी कार के बोनेट पर बैठ गया। इस पर भी युवक ने कार रोकने के बजाय उसे 1 किलोमीटर तक घसीट कर ले गया। लोगों की सक्रियता की वजह से बड़ी घटना नहीं हो पाई। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक प्रताप नगर के गंगा काशी अपार्टमेंट निवासी आकाश उत्तम चौहान है। पुलिस कर्मी का नाम अमोल सिद्दंबार है। अमोल रविवार को सक्करदरा चौक पर ड्यूटी कर रहे थे। रात के 7:30 बजे उन्हें कार क्रमांक MH 31DV 3222 सक्करदरा चौक से गुजरते हुए नजर आए। कार आकाश चला रहा था। आकाश के बगल में पल्लवी नामक युवती बैठी हुई थी। अमोल के कार पर काली फिल्म देखकर उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन आकाश ने कार रोकने के बजाय आगे बढ़ा दी और कार रोकने के लिए अमोल बोनट पर बैठ गया। बावजूद इसके आकाश कार रोकने की बजाय गति तेज कर छोटा ताजबाग की दिशा में जाने लगा। इस दौरान उसे सिग्नल पर खड़े 2 लोगों को टक्कर भी मारी। यह माजरा देख नागरिक सतर्क हो गए। उन्होंने कार को रोकने का प्रयास किया। छोटा ताजबाग के पास कार रोकने में सफल हो गए। नागरिकों ने आकाश को कार से नीचे उतारा, साथ ही उसकी जमकर धुनाई भी की। घटना की जानकारी मिलते ही सक्करदरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आकाश को पुलिस स्टेशन ले गई। जोन 4 के DCP अक्षय शिंदे भी सक्करदरा थाने पहुंच गए। अमोल की शिकायत पर मामला दर्ज कर प्रक्रिया शुरू की गई। आगे की जांच पुलिस कर रही है। कल करीबन शाम को 5:15 की दरमियान की बात है, ट्रैफिक हवलदार सक्करदरा डिवीजन के वो अपने ड्यूटी पे थे सक्करदरा चौक पे, वहाँ पे तो उनको एक काली 4-व्हीलर आई, उसमें काली फिल्म लगी हुई थी कांच को, ऐसा उसको उनको दिखा तो उन्होंने वो गाड़ी रोकने की कोशिश की। तो जो गाड़ी का चालक था शुरू में उसने गाड़ी साइड में दिखाया है कि साइड में ले रहा है करके, जैसे कि ट्रैफिक हवलदार सामने आए तो उन्होंने वो ट्रैफिक हवलदार तो उड़ाया तो वो बोनेट पे गिर गए और ऐसा बोनेट पे घसीटते हुए उनको करीबन 150 मीटर से ज़्यादा वो घसीटते लेके गए। आगे जाके जब भी उसको ट्रैफिक से निकल नहीं पाया वो, तभी वो वहाँ पब्लिक ने और ये हवलदार वहाँ रोका, वहाँ पे उसको ताबे में ले लिया। उसको ताबे में लेने के बाद में कंप्लेंट उसके हवलदार की कंप्लेंट के आधार पर हम लोगों ने उसको सरकारी काम कर्तव्य में बाधा डालने का और वो जान से मारने की कोशिश करने का, ऐसा हम लोगों ने उन्हें उसके खिलाफ गुना दाखिल किया है और वो केस में उसको अरेस्ट किया है। आगे की जांच चालू है। उसका पहले गुना दाखिल है अंबाजरी में और वो गैंग के संगठित गुनेगारों के साथ में था वो टाइम पे, वो गुना दाखिल है तो उसका हम लोग डिटेल में जाँच कर रहा है कि एक उसका रिकॉर्ड है उसके आधार पर और कुछ किया है क्या, ऐसा घटना या गुने और दाखिल है क्या, इसके हम लोग जाँच कर रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, इन BCN न्यूज़ नागपुर।